चल बोला। अच्छा ताने को ब्लीच लगाने वाली रेसिपी अब रेडी हो रही है यहाँ पे। मैंने ताने अपनी रिस्क पे आई है यहाँ पे हमारे पार्लर में। हाँ मैं सोच रही हूँ, ये देसी पार्लर। देसी पार्लर, वेलकम टू देसी पार्लर। तो आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे रेसिपीज की। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? तो आज हम आए हैं शीरो से मिलने और मेरी बेस्टी अंजलि से मिलने, जो कि आई हुई है घर। तो जब वो आती है तो हम एक दूसरे से मिलते ही हैं। तो चलिए उसके घर चलते हैं और मैं कॉलेज से फ्री हो गई हूँ, सो लेट्स गो। ये देखिए काम करके आती हूँ। कितना बड़ा फल शीरो। उई उई उई। हो एक्साइटेड एक्साइटेड। शीरो सांस ले ले, सांस सांस लेना भूल चुके है ना यार। हाँ, कितना हाँप रहा है। ऐसे शीरो सिट हो जा, सिट। चलो चलो छोड़ के आते हैं इसको। चलो 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 चलो। हेलो गाइस, तो अब हम रेडी हो गए हैं और ये है अंजलि, मेरी बेस्ट फ्रेंड। पता होगा वैसे आधा इंस्टाग्राम और आधा यूट्यूब भी ऑक्यूपाई करती है मेरा। और हम जा रहे हैं अपने तीसरे फ्रेंड से मिलने, जिसे हमने सरप्राइज देना है। मींस इसने उसको लगता है कि मैं मथुरा गई हूँ बट मैं यहाँ आई हूँ। तो देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए चलते हैं लोकेशन पे। चलो संजली कैसे सरप्राइज देंगे आप उसे? अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि मैं थोड़ी देर बाद वहाँ जाके बैठ जाऊंगी पीट करके, फिर बाद में उससे बीच में पूछने आऊंगी आप अच्छा बताइए यहाँ पे अच्छा क्या मिलता है। ये सरप्राइज आपने मेरे साथ किया होता मेरे रिएक्शन आपको ज्यादा दिमाग में ही नहीं आया। मैं निकली ऑफिस से जस्ट शाम को पता चला कि कल छुट्टी है और मैं भाग गई, मैं निकल ही आई। तो ये वो इतनी जल्दी हुआ कि मैंने तान्या को बताया कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मेरे रिएक्शन ऐसे थे मेरे, और मैं ऐसे थी जैसे फरिश्ते खुद चल के आए हैं। बोल सकते हैं कि इतना मतलब बोर हो जाती हूँ मैं इसके बिना। इसलिए मैंने कहा यार आए हाय दूसरे ही दिन मैं इसके घर हूँ जैसे ये पहुँची है। और ये हमारी बहुत अच्छी जगह है, कैप्टन्स कैफे। देखते हैं हमारा दोस्त कब जैसे आता है और फिर हम क्या प्लान करते हैं। और हमारा प्रैंक भी नहीं, सरप्राइज कितना सक्सेसफुल होता है। ऐसे सरप्राइजेस आपको अपने फ्रेंड्स को देने चाहिए। एक्चुअली हम कॉमन स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो हम एक दूसरे को मिलने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। दैट्स राइट, चलो मिलते हैं आशीष के आने पे। ओके बाय। और ये है चॉकलेट, यहाँ का चॉकलेट केक जो कि अब इस मैडम ने मंगाया है। भूख लग रही है, उसने तो थोड़ा लेट आना है, तब तक हम पेट पूजा कर लेते हैं। इसका रिव्यू करते हैं कि कैसा है अंजलि, बताएंगे आप? आप बताइए। इससे अच्छा ना तूने मेरे बर्थडे में बताया था सच बोल तो ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। सो गाइस, आशीष से मेरी बात हो गई है, वो दो मिनट में पहुंच जाएगा। और मैडम को देखिए कहां जैसे बैठ के हाय करिए फैंस को। अब देखते हैं आशीष के रिएक्शंस क्या होते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड रहे। और तब तक मैं लेमोनेड का मज़ा लेती हूँ। बोलती बोला पोपट हो चाहे जो मर्जी हो, कंटेंट मिलना चाहिए। मेरा दोस्त नॉगिंग कर रहे हैं हम क्यों? जस्ट डू इट लिखा है तूने, खुद ही बोला है तूने जस्ट डू इट। बैठ जा, थक गया हो ना? बस बढ़िया। सुनाइए आप कहाँ थे आजकल? आप बहुत डाल नहीं पाएगी तू, क्यों आजकल इतना बिजी क्यों हो गया? कमजोर हो गया आशीष तो? कमजोर हो गया मैं? बंदे हो रहे हूँ कमजोर हो गया मुझे तो लगती है। तुम डालूंगी पोस्ट करके बताता हूँ सबको, फिर क्यों बताता? मैं डालूंगी पोस्ट करके बताता, मैं डालूंगी पोस्ट करके, मैं डालूंगी, क्यों नहीं मैं डालूंगी? लड़ाई हो जाएगी मेरी, क्यों सजेस्ट करो।
और हमने एक स्मॉल लैप ले लिया है, बना है वो, मतलब मेरा जो पिलो बना है वो है शीरो, जैसे कि आप देख सकते हैं, परफेक्ट बॉडीगार्ड एंड बेस्ट डॉग, जो मैं कभी कभी आती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर करता है ना शीरो। शीरो बिल्कुल अभी कोई इसको है नहीं, बिल्कुल ये मुझे सपोर्ट कर रहा है कि दीदी आप ऑल सोलो, मैं हूँ अभी आपके पास। सो गाइस हम इसके बाद कलर करेंगे अपने बाल, देखते हैं, जो कि ये करेगी मैडम, देख सकते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में। सब ब्लीच मारने लगे हैं मेरे बालों में, तो देखते हैं कैसा कुछ आता है कलर। मैं पार्लर वाली बन गई हूँ, ब्लीच सस्ता सेम ब्लीच लगाएंगे। पता नहीं किसने बोला इससे कुछ होता है, मैंने कहा चल करते हैं, घर में पड़ा हुआ था इसके, ऐसा नहीं ना पैसा लेकर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, पाने ने खरीदवाया घर में कुछ नहीं पड़ा था, मैं जरा एक्सपेरिमेंट कर लेती। तो अभी हमारी ये बन रही है, पहले वो ब्लीच लगा चुके थे, उसकी रेसिपी पे काम किया जा रहा है, सिलेक्ट कर लिया। चलिए कैमरामैन यहाँ ताने को ब्लीच लगाने वाली रेसिपी अब रेडी हो रही है यहाँ पे। अब हमने इसकी वो लोकेशन भी डिसाइड कर लिया है कि हम इस पोर्शन में कुल्लू मनाली है, कुल्लू मनाली लोकेशन। और इसका ये है कि आप वापस नहीं जा सकते, जो हो गया सो हो गया, इसलिए मैंने अब हम क्या करेंगे, पहले एक चम्मच बड़ा चम्मच लीच का डालेंगे, ये बंद कर देंगे, क्रीम लीच क्रीम, और एक पूरा एक्टिवेटर का, एक पूरा भी नहीं मतलब एक चम्मच पूरा, थोड़ा सा। मैं सोचती मेरे साथ क्या होने वाला है। बस पूरा नहीं डाला हमने, हमारे पीछे से कैमरामैन ही परेशान हो जा रहा है, जैसे पूरा मेरे बाल लगे, उसका इस लड़की ने 5,000 देके हाइलाइट्स कराए हैं, क्या आप इसके बाल चेक कर सकते हैं कि कितना हाइलाइटेड है, हाइलाइटेड है। तभी ताने का ख्याल बना कि मैं बाहर कराने पैसे भी यही करा लूंगी, पैसे भी। हमारा मटेरियल बस रेडी हो चुका है, जिसके बालों में लगने वाला है, और मुझे डर भी लग रहा है, और ये डर है, डर मत, जिसके बाल एक्सपेरिमेंट हो रहे हो उसको कैसा लग सकता है, डर मत। क्या पेस्ट तैयार हो गया है, देखिए अब ये तान्या के बालों में लगेगा। और तान्या कैसा लग रहा है, ऐसे पार्लर में आने का जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। नहीं, एक बार का है, मैंने अपने बाल किए थे, मैंने बस इस पे भरोसा किया है, बाकी पता नहीं क्या होगा, बाल तो मेरे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, देखिए आप भी देखना एंड रिजल्ट, इतना ताम झाम का क्या निकलता है। स्टे ट्यून्ड, चलिए और इसके बालों में लगाएंगे, बहुत ज्यादा नर्वस है तने के बालों में लगता हुआ, झाड़ू में लगा रही है, हल्दी लग रही है, कोई झाड़ू बोल रहा, कोई शीरो को कोई इंटरेस्ट नहीं है, शीरो को सिर्फ सोने में इंटरेस्ट है, मेंटेन किया गया है, पूरे मध्य में जरूरत रखते हैं आईजी। ये तने को प्लेस कर चुकी है, फोल्ड निकाल के देखेंगे कि कितना कलर चढ़ा, हमने 25 मिनट्स रखे थे। प्लीज गॉड मेरे साथ डिजास्टर ना हो, लग तो रहा है चढ़ गया, कैमरा में ज़ूम करिए प्लीज, ज़ूम ही है, चढ़ा तो है, तगड़ा ही चढ़ा है।
ताने धो के आते हैं, उसको धो के आते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। और अब सुखा रहे हैं हम, लग तो अच्छा गया है। अब देख रहे हैं कितना सूट करता है। हाँ, वो भी है। बताने अब अपना कलर रिवील करो। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लीच, एक स्ट्रिप जो मैंने कलर की थी वो ऐसी हुई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरे साथ डिजास्टर हुआ है, कि सच में ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पे। बोलते हो अंजलि, रिवर्स बैक में नहीं जा सकता, नहीं भी पसंद आए तो क्या करना, हम रखने जब तक बाल कटिंग नहीं हो जाती है। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो गाइज मैं घर पहुंच गई हूँ और मैंने अपने बालों के साथ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन करना चाहिए, चलता है। तो आज का ब्लॉग यही खत्म होता है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।